हम मनिंदर कौर जी से बात करेंगे जो हीलिंग कराती हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करती हैं। उसमें जैसे कि कुछ जो कि डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी उसका इलाज नहीं कर पाते, इनका यह कहना है कि वो हीलिंग से सब कुछ ठीक हो जाता है। हम इसे विस्तार में जानेंगे हीलिंग का अर्थ क्या है और हीलिंग से क्या क्या फायदे मिलते हैं। मनिंदर कौर जी बताइए, हीलिंग का अर्थ पहले क्या है और क्या इसमें है कि लोग कैसे ठीक हो जाते हैं? मैं पिछले 8 सालों से मैं इस लाइन के अंदर हूँ। जब मैं इस लाइन के अंदर आई थी तो कुछ फिजिकल इश्यूज मेरे को भी थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैंने अपने आप को हील किया तो मेरे मन के अंदर यही बात आई कि मैं इस चीज़ को 100% करने के बाद लोगों तक पहुँचूँ। हीलिंग जो है इट्स एनर्जी गिविंग, कि हम कैसे अपनी एनर्जी से दूसरों को ठीक कर सकते हैं। जैसे पिछले ज़माने में ऐसे होता था कि जो हमारे गुरु होते थे वो किसी को टच भी करते थे तो वो अपनी हीलिंग दे के बीमारियों से ही लोगों को बाहर निकालते थे। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं और इससे लोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पेशेंट्स हैं जैसे आर्थराइटिस हो गया, शुगर हो गया, एक पेशेंट है डायबिटीज़ जम्मू से है, उसकी हम हीलिंग कर रहे हैं। मेरे को 1 साल हो गया तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं कि फीडबैक भी दे रहा हूँ मेरे को कि मेरा अब जितने भी हेल्थ पैरामीटर्स थे उसके वो ठीक हो गए। हीलिंग का मतलब क्या है? तपस्या या साधना भी कह सकते हैं वैसे, कि एक तपस्या करके आप साधना अपने एनर्जी उसको प्रोवाइड करो जिससे वो ठीक हो रहा है। यस, हीलिंग मेनली जब भी हम किसी को हील करते हैं पहले तो उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं कि उसको फिजिकल इश्यूज क्या हैं या उसका कोई रिलेशनशिप है या कोई इमोशनल इशू कोई है ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी से, क्योंकि हम भी अपने आप पे वर्कआउट कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी देके उन लोगों को हील करते हैं, उनको उस मतलब प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। आप ये पीटीएस और एंटरटेनमेंट के साथ ये जुड़े हैं और ये प्रोग्राम करा रहे हैं, इसका इनके साथ क्या मकसद और क्या वजह है जिससे आप ये इनके साथ जुड़कर ये आज आपने ये कार्यक्रम कराया? मेनली जो मेरा मोटिव प्रीति जी के साथ ही था या इनका जो हमारे साथ है वो यही है कि लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लेके आए कि इस चीज से भी हम ठीक हो सकते हैं। क्योंकि लोग आजकल एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, वो अपना एक ठीक है, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे ठीक कर सकते हैं? हील करने के बाद। मैम, मोहाली जिले की अगर बात की जाए या ट्राई सिटी की बात की जाए, हीलिंग का लोगों को मकसद नहीं पता, यहाँ के बाद तो पेशेंट्स आपके अपने कार्यक्रम या अपनी छोटी सिटी के दर्ज हैं, तो कुछ आप इसके लिए फ्री अवेयरनेस कैंप या कुछ ऐसा लगाओगे, कुछ करते हो फ्री की? इन फ्यूचर मैं प्लान कर रही हूँ कि जैसे आसपास की जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, जैसे रेणु कक्कड़ जी का ये फाउंडेशन है इनका, तो वहाँ पे जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, मेरे मन के अंदर यही प्लानिंग आ रही थी कि उनको वहाँ जाके हीलिंग दी जाए, उनको वहाँ पे जाके सिखाया भी जाए। हो सकता है उनका कुछ ऐसा कर्मा जनरेट हो कि वो अपनी जितने भी इश्यूज हैं उसमें से बाहर निकल सके। मेनली हमारा मोटिव यही है कि जगह जगह जाके कैंप्स लगा के लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आई जाए कि इस चीज़ से हम ठीक हो सकते हैं, अपने आप को इमोशनल बैलेंस कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं, साइकोलॉजिकली भी हम अपने आप को मतलब मेडिकली भी, जैसे लोग मेडिसिन से दवा खा के ठीक होते हैं, हम अपने आप को हील करने के बाद अपने इश्यूज से बाहर निकल सकते हैं। जैसे आपने इसको बताया कि इसकी कोई रजिस्ट्रेशन है, इसके कुछ चार्जेस भी आपने रखे हैं, कुछ पैकेज हैं कि जिससे अभी तो हम जैसे फ्री कैंप्स लगाएंगे तो फ्री कैंप्स के अंदर हम मेडिटेशन उनको लोगों को सिखा सकते हैं, साधना उनको सिखा सकते हैं, ठीक है, एक हीलिंग भी दे सकते हैं उनको। लेकिन अगर उन्होंने कुछ सीखना है, अगर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए सीखना है, तो उसके डेफिनेटली चार्जेस होते हैं। चार्जेस ऐसे होते हैं कि वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको, कि अगर आप किसी से कुछ ले रहे हो तो देना बहुत ज़रूरी है। तो देना हम किस चीज़ के अंदर जाते हैं, या तो सेवा करके देंगे या पे करके देंगे, तो उसके अंदर हम कोर्सेज की फीस जरूर रखेंगे और ताकि उस चीज़ को वो सही तरीके से एनर्जी को ले सके। रोल हमारे चैनल के माध्यम से हीलिंग के लोग किसके कैसे जनता को क्या अपील करते हो कि इस चीज़ के लोग जागरूक? देखो, आज टाइम ऐसा चल रहा है, जैसे कोविड का टाइम था तो हर बंदा किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर फंसा हुआ है। तो मेरी तो लोगों से यही बेनती कह लो, प्रार्थना कह लो या प्रे कह लो कि यही है कि जहाँ जहाँ भी अगर हम ये लोग सेशंस करते हैं तो ये लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, वो आए, सुने, सीखें। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम।
तो मेरा तो यही है कि मैं तो पूरे ट्राई सिटी को कवर करना चाहती हूँ, चाहे वो मोहाली है, पंचकुला है, या मनीमाजरा है, या चंडीगढ़ के अंदर है, जहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ जाके हम सेशंस भी देंगे, लोगों को अवेयर भी करेंगे, ताकि इस चीज़ को सीख के अगर उनकी लाइफ के अंदर कोई इशू चल रहे हैं वो उसमें से बाहर निकल सकें। थैंक यू सो मच। प्रीति जी बताइए कि आप उनसे आपका कैसे संपर्क हुआ और आप अपने बच्चों को या अपने इनको आगे इनके हीलिंग को कैसे ग्रो करें। एक्चुअली मैम हमारे लोहड़ी के इवेंट में आए थे, मेरा स्टार ऑफ ट्राई सिटी ग्रुप है लेडीज़ का और प्रीति एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी का नाम है, डायरेक्टर हूँ मैं उनकी। तो ये मेरे इवेंट में आए थे, लोहड़ी का इवेंट बेटियों की लोहड़ी की थी, तो वहाँ पे हमारा मेल जोल हुआ। तो मैम ने कहा कि मैं हीलिंग का करती हूँ भी, मेडिटेशन का लेडीज़ को या बच्चों को या बड़ों को सबको करवाती हूँ। तो मुझे भी ऐसा हुआ कि हम सिर्फ पार्टियों में बेटी लेडीज़ को और बच्चों को ना लगा कर कि इस तरफ सिर्फ स्पिरिचुअल्स की तरफ भी हम इनका ध्यान लगाएं, जैसे क्योंकि हर कोई आज का तनाव होता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तनाव उनके बच्चों में सब में तनाव की बहुत, चाहे पढ़ाई हो, लेडीज़ को घर की प्रॉब्लम्स होती हैं या ऑफिशियल्स की ऑफिस की प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो मेडिटेशन है वो उससे थोड़ा तनाव मुक्त हो सकते हैं बच्चे भी और लेडीज़ भी। तो महिलाओं और बच्चों को तनाव मुक्त करने के लिए मैं मैम के साथ जुड़ी हूँ, मेरी तो है। और जो इन्होंने हीलिंग का बताया कि कुछ कोई अवेयर नहीं है इसके लिए, किसी को ज़्यादा पता नहीं हीलिंग क्या है, जो मैम से आज हमने जाना, थोड़ा बहुत कुछ जाना लेडीज़ ने और बच्चों ने। तो मैं ये चाहती हूँ कि लेडीज़ अवेयर हों, बच्चे अवेयर हों कि क्या है ये हीलिंग, क्या है मेडिटेशन करना, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, है ना, और योगा करना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं वो योगा करते थे, वो जिम या एरोबिक्स वगैरह कुछ नहीं होता था तब, तो जो ये योगा करते हैं। केंद्र सरकार भी इस पर पहले ध्यान देती रही है और कोरोना में भी केंद्र सरकार ने भी कहा कि घर बैठे बैठे कोरोना उसको योगा करें और मेडिटेशन करें, जिससे कि आप तनाव मुक्त रहेंगे। तो आप केंद्र सरकार की केंद्र सरकार ने जो ये मुहिम शुरू की थी कि योगा और मेडिटेशन करना चाहिए, उससे काफी रिलैक्स होता है, तो सच में ये बहुत अच्छा है और ये करना चाहिए, मैं इसका साथ समर्थन करती हूँ। मैं तो पूरा 45 मिनट्स मॉर्निंग में जरूर करती हूँ, अपने आसपास के बच्चों को भी अवेयर करती हूँ, वो भी करते हैं मेरे साथ, संडे क्लास लगाते हैं। तो मैं तो मैम को यही कहूंगी बिल्कुल नॉमिनल रेट रखें, अगर जो भी ये कह रहे हैं बल तो फ्री रखें और हो सके जहाँ तक, पर हाँ ये जो कह रहे हैं कुछ लेने के लिए कुछ देने के देना होता है, जो भी कह रहे हैं मैम, तो थोड़ा नॉमिनल रखें ताकि हर कोई लेडीज और बच्चे अफोर्ड कर सके। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।